वरुण गांधी से जुड़ी समय की एक बड़ी खबर आ रही है। रायबरेली से बीजेपी दे सकती है इन्हें टिकट, सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है। तो पीलीभीत से टिकट कटा है और वरुण गांधी को रायबरेली से टिकट मिल सकता है, ये जानकारी आ रही है और इस पर विचार किया जा रहा है, जिस पर समय लिया गया है। सोर्सेस के हवाले से ये जानकारी, पैनल में वरुण गांधी का नाम शामिल किया गया है। पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कटा है और अब रायबरेली से चुनावी मैदान में बीजेपी इनको अपना प्रत्याशी बना के उतारने की तैयारी कर रही है, जिसको लेकर मंथन चल रहा है। देखिए, रायबरेली जो कि कांग्रेस का गढ़ है, कांग्रेस ने अब तक रायबरेली और अमेठी से अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की है, लेकिन जो सोर्सेस बता रहे हैं, अमेठी और रायबरेली से जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा को टिकट दिया जा सकता है। तो ऐसे में अब ये देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा कि क्या बीजेपी पीलीभीत से टिकट काट के वरुण गांधी को रायबरेली से चुनावी मैदान में उम्मीदवार बनाती है, और अगर बनाती है तो ये मुकाबला किसके बीच में होता है? रॉबर्ट वाड्रा और वरुण गांधी के बीच में मुकाबला होता है या फिर इसमें हम आगे कोई बड़ा बदलाव देखेंगे? हालांकि सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है जो आपको दे रहे हैं हम, इस बार अच्छे से जानकारी हमारे सहयोगी संकेत मिश्रा देंगे जो कि इस समय फोन लाइन पर मौजूद है। संकेत, क्या बता रहे हैं आपके पक्के सोर्सेज, क्या वरुण गांधी को पीलीभीत से टिकट काट के रायबरेली से चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी में है बीजेपी? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसने बाकायदा पैनल में वरुण गांधी का नाम रखा है और इस संबंध में बात भी की है। वरुण गांधी ने दरअसल रायबरेली से प्रियंका गांधी कांग्रेस से प्रत्याशी हो सकती हैं, ऐसी पूरी संभावना है। तो ऐसे में वरुण गांधी ने निर्णय लेने से पहले विचार करने की बात पार्टी आलाकमान से कही है, और अगर पैनल की बात करें रायबरेली सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के नामों का, तो उस पैनल में वरुण गांधी का भी नाम शामिल किया गया है। ये बड़ी खबर है कि सूत्रों की माने तो जो भारतीय जनता पार्टी ने नामों का पैनल तैयार किया है, चार नामों का पैनल, उसमें वरुण गांधी का भी नाम है रायबरेली सीट से प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के। अब पूरा निर्णय वरुण गांधी के हाथ में है, वरुण गांधी को पार्टी नेतृत्व से कहा गया है, ऐसी चर्चा है, और वरुण गांधी ने निर्णय पर विचार करने के लिए समय मांगा है। दरअसल प्रियंका गांधी और वरुण गांधी के जो रिश्ते हैं वो बेहतर बताए जाते हैं, तो ऐसे में वरुण गांधी पेशपक्ष में है कि आखिर वो कैसे, प्रियंका गांधी चूंकि उनकी चचेरी बहन भी है, तो ऐसे में कैसे चुनाव लड़े। लेकिन मंथन जारी है और भारतीय जनता पार्टी के जो रायबरेली से प्रत्याशियों के नामों का पैनल है उसमें वरुण गांधी का नाम शामिल है, ऐसा बीजेपी की। संकेत, तो ये भी मान के चल सकते हैं कि अगर ये मुकाबला हो जाता है, मतलब रायबरेली से अगर वरुण गांधी चुनावी मैदान में आ जाते हैं, तो सबसे ज्यादा खुश मेनका गांधी होंगी, क्योंकि जब इनका टिकट कटा था तो काफी मायूस हो गई थी, काफी परेशान हुई थी। उन्होंने पार्टी आलाकमान से हालांकि बात भी की थी और मीडिया के सामने भी आकर उन्होंने बार बार यही बात बोली कि वरुण गांधी अच्छे नेता है, अच्छे राजनेता है और आगे भविष्य में कुछ अच्छा ही करेंगे। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि अगर यहां से रायबरेली से चुनावी मैदान में वरुण गांधी ताल ठोकते हैं, इसके लिए उन्होंने समय मांगा है, तो सबसे ज्यादा खुश उनकी मां ही होने वाली है, मेनका गांधी। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, मेनका गांधी का बयान भी इसको लेकर आया है। वरुण गांधी का भारतीय जनता पार्टी ने पीलीभीत से टिकट काटा है और वहां से जितेन प्रसाद को प्रत्याशी बनाया है, पहले चरण की वो सीट थी और उस पर वोटिंग भी हो गई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो वरुण गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ाने की तैयारी में है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी इस बार रायबरेली को हर हाल में जीतना चाह रही है, यही वो वजह है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से व्यूह रचना रायबरेली की उस लोकसभा सीट की कर रही है। संगठन के दिग्गज पदाधिकारियों के लगातार रायबरेली में प्रवास हो रहे हैं, बिल्कुल, जो चुनावी व्यूह रचना में माहिर माने जाते हैं। तो ऐसे में वरुण गांधी का नाम भारतीय जनता पार्टी के जो नामों का पैनल है रायबरेली लोकसभा सीट से प्रत्याशियों के, उसमें वरुण गांधी का नाम। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। देखिए, अब ये बड़ी खबर हो जाती है क्योंकि अगर सोनिया गांधी पहले ही सीट से चुनाव नहीं लड़ रही हैं, वो राजस्थान से राज्यसभा की सांसद बन गई है, तो ऐसे में अगर गांधी परिवार के चेहरे की बात करते हैं तो वरुण गांधी जो कि बीजेपी के बड़े चेहरों की लिस्ट में आ जाते हैं, और अगर वो यहां से चुनावी मैदान में आते हैं तो उनकी जीत भी आप पक्की मान सकते हैं, क्योंकि ये कांग्रेस का गढ़ है, गांधी परिवार का गढ़ है और बीजेपी इसीलिए सोच समझ के पूरी तैयारी के साथ, रणनीति के साथ आगे बढ़ते हुए वरुण गांधी को इस जगह से, इस सीट से चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए वरुण गांधी ने मांगा है समय।